नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सुपरस्टार रजनीकांत के बारे में और उनकी एक ऐसी मूवी जो कि कहीं ना कहीं सेकंड पार्ट जिस मूवी का बन सकता है, और अगर उसका सेकंड पार्ट बनता है तो वो मूवी धमाल कर सकती है। या दोस्तों, रजनीकांत की ऐसे तो हम देखते हैं मूवीज़ जहाँ पे हमें रजनीकांत एक्शन करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे रजनीकांत सर की कुछ ऐसी मूवीज़ भी हैं जहाँ पे वो एनिमेटेड मूवीज़ हैं, लेकिन इन मूवीज़ का क्रेज़ बहुत ही ज़्यादा है। या दोस्तों, 6 मंथ एगो रजनी आस्क्ड टू मी नरेट द स्टोरी ऑफ राणा अगेन के एस रवि कुमार। तो के एस रवि कुमार कौन है? के एस रवि कुमार है इस एनिमेटेड मूवी के डायरेक्टर। जी हाँ दोस्तों, कोचाली ध्यान मूवी के डायरेक्टर। तो यहाँ पे लिखा है कि विल सुपरस्टार रजनीकांत री यूनाइट विद के एस रवि कुमार टू रिवाइव राणा सीक्वल टू कोचा दियाल यान ए लाइव एक्शन अटैम्प्ट कुड बी एपिक क्रिटिक्स एंड ऑडियंस स्टिल प्रेज कोचा दी लियान फॉर के एस इट्स स्टोरी एंड म्यूजिक राणा शुड बी मेड एज ए बिग बजट पैन इंडिया फिल्म बाय ए बिग प्रोड्यूसर। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस मूवी का जो सेकंड पार्ट बने वो एक बड़ा हो, बिग बजट हो? तो क्या आपको लगता है कि पैन इंडिया मूवी इसकी बनने वाली है, और ये सेकंड पार्ट जो होगा क्या ये भी एनिमेशन के रूप में होगा या फिर सुपरस्टार रजनीकांत इसमें खुद होने वाले हैं? वेल, जो भी होगा, कहीं ना कहीं फैंस की इच्छा है कि सुपरस्टार रजनीकांत राणा के साथ मिलके इस मूवी को बनाए और एक बड़े स्केल में बनाए, बड़े बजट में बनाए और एक पैन इंडिया मूवी करके बनाए। और मैं आपको बता दूं, जब इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज़ हुआ था तो उसको ऑडियंस ने भी पसंद किया था, साथ ही साथ क्रिटिक्स ने भी पसंद किया था। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसका सेकंड पार्ट बनाना चाहिए, और कहीं ना कहीं लोगों को तो पसंद आएगा ही आएगा। उसके साथ रजनीकांत के फैंस हो गए, और यहाँ पर अगर बात करें तो एनिमेटेड फैंस हो गए, उनको भी पसंद आएगा। पहले आपको क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, क्या कुछ ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आना चाहिए या नहीं। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।